भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा यौन उत्पीड़न का मामला अभी ठंडा भी नहीं था कि अब यूपी के कानपुर में एक नाबालिग मुक्केबाज ने अपने ही कोच पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बता दें कि कानपुर के द स्पोर्ट्स हब में मुक्केबाजी सीख रही छात्रा ने ही कोच पर शारीरिक शोषण को लेकर पुलिस ऑफ कमिश्नर से गुहार लगा चुकी है। मामला ज्यादा तूल न पकड़े इसलिए गाय स्पोर्ट्स हब के लोगों ने उसके प्रवेश पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मुझे स्वरूप पार्क स्थित गाय स्पोर्ट्स हब में गरीबी रेखा के नीचे के युवा भी अलग अलग खेल सीखते हैं, जहां पर ग्वाल टोली निवासी कक्षा 11वीं की छात्रा मुक्केबाजी सीखने के लिए एक साल से आ रही थी। छात्रा का आरोप है कि यहां के कोच उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ करते हैं, सिखाने के बहाने गलत जगह और गलत तरीके से उसके शरीर को छूते हैं। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो कोच ने करियर खत्म करने की धमकी दी। छात्रा का कहना है कि कुछ लगातार उसको धमकी दे रहे हैं जिसकी वजह से वो काफी डरी हुई है। मैं बॉक्सिंग की प्लेयर हूं सर, और मैं झांसी से खेल के आई थी। उसके बाद मेरा यहां पर फ्री योजना TSS द स्पोर्ट हब में हुआ था ट्रेनिंग के लिए सर, और वहां पे जब मैं जाने लगी तो फिर दिन बाद वहां के कोच सर है दिवाकर राजपूत, तो वो गंदी तरीके से छूते हैं और बदतमीजी करते हैं और विरोध करने पर धमकी देते हैं सर। हाँ सर, शिकायत कर चुके हैं। नोएडा में करी सर बॉक्सिंग एसोसिएशन, और कमिश्नर को करी है, और भी कई जगह करी सर। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से सर हमें न्याय चाहिए। वहीं इतने संगीन प्रकरण को देखते हुए पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। संबंधित थाने को आदेश दिया गया है कि पुलिस पीड़िता के घर जाकर उससे बातचीत करने के बाद तहरीर लेकर आवश्यक कार्रवाई करे। एक नाबालिग प्लेयर के साथ स्पोर्ट्स हब के कोच के द्वारा अश्लील हरकत करने की शिकायत आज सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आई है। इस पूरे प्रकरण में संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल पीड़िता के घर जाकर के उनसे प्रार्थना पत्र लेकर इसमें आवश्यक कार्रवाई करें। दरअसल पीड़िता की शिकायत के बाद कोच ने फोन उठाना बंद कर दिया है, लेकिन पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।